मिल चुके भाई अपने दीपू भाई को डिग्री बड़ी मशक्कत के बाद, आधा पौना घंटा खराब करके, क्योंकि देन देते कह रहे थे फंक्शन में लियो, पर हमने बहाना मारा कि मेरी डिग्री मुझको ही नहीं दे रहे। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो ये बजे सुबह के 9:30, तो चलिए करते हैं व्लॉग की शुरुआत, देखते हैं आज के दिन में क्या क्या होता है। चलो, तो टाइम होगा 12:15 और भाई दीपू और मैं जा रहे हैं अभी एक जगह पे, तो आगे जाके बताइए आपको कहाँ जा रहे हैं। तो हम आ रहे भाई साइकिल में, बेसिकली हम जा रहे हैं नहर में नहाने के लिए, तो इसलिए मैंने घर पे नहीं बताया आपको कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि भाई घर वालों को बताने रखे ना, कल व्लॉग में देखेंगे सीधा, तो नहर में पानी होगा तो नहाएंगे, वरना दीपू भाई की डिग्री भी लानी है आज, तो वहाँ चलेंगे सीधा उधर से नेहरू कॉलेज को, तो लंबा सफर है, कम से कम 8 किलोमीटर का है। सो भाई यहाँ पे ना एक ही पेड़ था रोड के बीच में, तो यहीं खड़े हो गए हम, छाया मस्त हवा चल रही है, तो अब चलते हैं फटाफट आगे का सफर तय करते हैं अपना, कम से कम 7-8 किलोमीटर साइकिल पे जाना है, तो थोड़ा दीपू भाई चलाएगा, थोड़ा मैं चलाऊंगा, ऐसे ही चलेंगे। तो अपना दीपू भाई साइकिल में लगा हुआ है, बेचारे को बड़ी हिम्मत आ रही है चलाने की इतनी धूप में, मेरे को पता है थोड़ी देर में थक लेगा तू, चलो जितनी भी चलाएगा चला यार। सब चढ़ाई का नंबर आ गया, दीपू भाई की स्पीड बढ़ गई, अब आगे आई भी है, थोड़ा मंदी कर ले, गाड़ी आती है एकदम ब्रेक मार, बस शाबाश। सर हैवी ड्राइवर से भाई रोड पार नहीं हो रही, कहाँ ले गया साइकिल, पीछे से लाएगा कहीं घुमाते हुए, तो मैं पैदल निकल लेता इसलिए। जल्दी ला, जल्दी स्पीड से स्लो कर ले, गाड़ी आ रही है उधर से भी। हाँ, नेशनल हाईवे पे साइकिलिंग अभी हो जाएगी तेरी साइकिलिंग, जल्दी निकल, जल्दी निकल, जल्दी निकल, जल्दी निकल, जल्दी निकल, निकल 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 छोरे कर दी पार। सो भाई गर्मी लग रही थी, तो हम यहाँ महाराज जी के आश्रम में आ गए, धर्मराजगिरी महाराज जी की समाधि यहाँ पे, तो पानी पी लेते हैं यहाँ पे, आ रहा पानी, आ गया, आ गया पानी, चलो। सो फाइनली पी लिया भाई पानी, अब निकलते हैं आगे को अपने गंतव्य स्थान की ओर, जहाँ हम नहाने का मन बना के चल रहे थे, तो अब दीपू ला रहा साइकिल अपना, दीपू जाते टाइम मैं चलाऊंगा, ठीक है, आते टाइम चला ले पूरा, ठीक है, ओके, चला लेगा फिर, ठीक है, ऐसे बंदे जी है ना। सो यहाँ पे भाई खेती चल रही है मस्त अभी, और इस साइड देखो गेहूं निकल रहा है, आई थिंक ट्रैक्टर मशीन लगा रही है ना, क्या मस्त फेंक रहा है। सो फाइनली आ चुका है नहर वाली लोकेशन पर, नहर में पता कितना पानी है, मतलब आपको दिखाता हूँ, आप भी मतलब कहोगे भाई साहब मजा आ गया, तो नहर में कुल इतना पानी है भाई साहब, देखो अंदर जाइए इसके एक बार, अगर कुत्ते से दौड़ा दिया और पानी कहाँ है यहाँ पे। आप गया बेचारा साइकिल चला के गर्नी, वैसे पूरा पोपट नहीं हो गया अपना, अरे तो पानी नहीं पिया, हाँ पानी इसने, तूने नहीं पिया, मैंने पिया है, उल्टा मैं धूप नहीं तेज है, बता मैं यार बुरी बन गया सही में, देखो नहर बिल्कुल खाली है, पानी एक बूंद पानी नहीं है, एक बूंद भी। तो भाई ऐसे पोपट मेरे साथ होते रहते हैं, तो एक और हो गया, बताओ क्या करे, है ना दीपू। सो भाई दीपू पूरा मन बना के आया था, कुत्ता तराजी करूंगा यार, पर क्या करे ना, बुरी बनी गई, बता दी कोई नहीं, तो जब होगा तब ना दियो, क्या कर सकते हैं, तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, बड़े और नहीं है, नहर सीधा बड़ी वाली नहर है, फिर उसमें तो डूबने का खतरा है, आगे है वो, हाँ वो तो अभी 10-12 किलोमीटर आगे है, फिर नहीं जाते, अब हम दीपू की डिग्री लेने चलते हैं, और क्या करें, तो चलिए चलते दीपू की डिग्री ले आते हैं, यहाँ तो पोपट हो गया अपना बढ़िया वाला, बाकी हवा मस्त चल रही है, और कुछ कहो। सो ये पानी तो था नहीं, पर फिर अभी हम उतर ही आए नहर के अंदर को, तो अब हमको चढ़ने में दिक्कत आने वाली है, रेंगते तैरते हुए सब यहाँ पे है, लेकिन कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, चल चल ऊपर चढ़, चढ़ दी शाबाश, एक बार में एक मतलब 3 चांस मिलता है आपको चढ़ने के, तू पहली बार में चढ़ जाएगा, मेरे को पता है, चढ़ चढ़ गया लौंडा, चढ़ गए ये बोलियो, हाँ चढ़ते चढ़ते सब निकल गया, चप्पल फिसलती यार, चलो पहुंच गया। तो चलते भाई अब कॉलेज की ओर, दीपू भाई की डिग्री दिखाते हैं आपको, और दीपू भाई की डिवीजन बताएंगे क्या आ रखी है, मतलब क्या है, मतलब डिग्री डिग्री तो आ चुकी है, सब कुछ लानी बाकी थी बस। सो लोग थार और फॉर्च्यूनर में ऑफ रोडिंग करते हैं, हम साइकिल में करेंगे, चल भाई साइकिल में ऑफ रोडिंग, अबे चला ले, साइकिल में ऑफ रोडिंग करेंगे, आराम से चलाइए, पर पंचर ना कर। तो अभी हम जा तो रहे हैं, पर हमको ये नहीं पता है रास्ता सही है कि नहीं, कहीं पता लगे दीपू 4 किलोमीटर और खींचना पड़े तेरे को, भाई देखते हैं कहाँ तक जाती है। जहाँ तक भी रास्ता जा रहा हम चल रहे हैं बस, वरना उल्टा आ जाएंगे, होते हैं भाई साहब हैवी ड्राइवर है रे सही में, बच्चा सामने से भी लोग आते हुए दिख रहे हैं भाई बाइक से, इसका मतलब हम सही रूट पे जा रहे हैं, बाकी यहाँ तो खेती खुती लगभग हो चुकी है लग रहा है। सो फाइनली अपने ऑफ रोडिंग समाप्त होते हुए, तो ये पत्थर से आ रहे हैं, इससे आगे से रोड आ गई है भाई, तो मतलब हम सही रूट पे थे,
सो भाई अपनी रोड खत्म होगी, सेकंड ऑफ रोडिंग चालू होने वाली है क्योंकि दोबारा से हमको नहर के सहारे जाना है। अच्छा रोड बनी है भाई सब, तरक्की पे अपना देश है ना। सो हमारे ड्राइवर का हादसा होते होते बच गया, आंख में ये चले गया भाई साहब। लोकल में इसको मूर कहते हैं, हम तो मूर कहते हैं, पता नहीं और क्या कहते हैं। जो भी है आंख में जाता भाई बहुत तेज। अभी आंख लाल होगी दिखाई, ओ भाई लाल होगी पूरी, बहुत तेज मिर्च लगती है। चलो बच गया, अभी घेर देता मेरे को, मैंने की रोक ले पहले आंख से निकाल ही ले। सो फाइनली पहुंच चुके भाई अपने पुराने शिक्षण संस्थान नेहरू कॉलेज जज्जर में। बाकी अब दीपू भाई की डिग्री लेते और निकलते भाई, गर्मी भयंकर है तो सही में दीपू की हालत खराब होगी होगी मेरे को खींच खींच के, तो मेरे को ही चलानी आगे। तो सो भाई कॉलेज का नया बोर्ड लग गया तरक्की पे अपना कॉलेज। सो भाई कॉलेज आते सबसे पहले आर के पानी पीने के लिए, और मस्त चिल्ड पानी हो रहा है तो पानी पी के फिर चलेंगे डिग्री लेने। सो यहाँ आगे पोपट हो गया थोड़ा, तो अभी लंच टाइम चल रहा है तो सारे खाने के लिए गए हुए, तो वेटिंग पे हम 20 मिनट यहाँ पे भी, और हमको भी लग रही है भाई भूख तगड़ी, प्यास से मुझे पेट नहीं भरता यार, खाली हो तो पसीना निकल रहा है तो पानी पी ले रहे भाई। मम्मी ने फोन कर दिया था खाना खाने आ जाओ, तो अभी देखते हैं खाली गए हम नहर में ना। सफाई मिल चुकी है भाई अपने दीपू भाई को डिग्री, बड़ी मशक्कत के बाद आधा पौना घंटा खराब करके, क्योंकि दे नहीं देते, करते फंक्शन में लियो, पर हमने बहाना मारा कि मेरी डिग्री मुझको ही नहीं दे रहे, तो हमने बहाना मारा कि भाई को उत्तराखंड जाना है भाई वापस, तो थोड़ा बेचारे का दर्द समझ गए बधाई हो। तो फाइनली चल दिया भाई अपने तेल बचाओ यंत्र पे, तो सबसे बढ़िया चीज़ है यार साइकिल अपनी, एक्सरसाइज की एक्सरसाइज हो रही है, बाकी थोड़ा प्यास लग रही है और कुछ नहीं हो रहा। और अपना दीपू भाई यहाँ पीछे वीडियो बनाने के लिए रुक रखा, देखो पता नहीं कहाँ गया, गायब ही हो गया वहाँ पे है। तो दीपू भाई को डिग्री दे नहीं देते, तो भाई मैंने कही सर उत्तराखंड से आ रखा है, दो तीन दिन में जाना है, बार बार किराया है कहाँ से आएगा करके, तो सर ने पूछी कहाँ से आया उत्तराखंड से, तो बता रहा अल्मोड़ा से, सर कह रहे भाई साहब इतने ऊपर से आ रखा है। तो फाइनली आ गए भाई घर, बाकी गर्मी से बुरा हाल हो गया साइकिल चलाने में, तो यार हालत ख़राब हो रही है। दीपू के टाइम पे तो फिर भी कम टेम्परेचर था, मेरे में ज़्यादा ही हो गया था गर्म, तो मेरे को ज़्यादा दिक्कत हुई थोड़ी, बाकी ठीक है पहुँच गया अपना सही सलामत घर। अब खाना खाते हैं, भूख लग रही है खतरनाक वाली। सो आगे भी खाने के लिए तो अपना मस्त दाल भात बना रखा मम्मी ने। तो भाई अभी हम नहर में गए थे नहाने की साजिश लेके गए थे अपनी, एक वो पूरी नहीं हो पाई, इसने बता दिया ढिंडोरा, क्या हो गया ढिंडोरा पीट गया, या तो हम नहाते फिर तब तो बताने भी दिया ना, और मम्मी हमारे जान खरे बिना बताए क्यों गए, सही तो था वीडियो में देखते नहाते बता। तो मम्मी आज कह रही है पापा को बताऊंगी अभी ये बात, मतलब क्या कह रहे हैं यार, ये बात है मिगी पकड़ो ले यार, ऐसा काम मत करना नाना, ऐसा काम मत करना, तेरे पेट में नहीं बची बात है। अरे वो फलो फलो में कब आई थी बात, इसने कहा था पहले नहाने की बात इसने कही थी, तो वही होता है देख लो दीपू ने अपने आप को लेडीज मान लिया आज वीडियो के आगे, तूने कहा सैंडी को पेट में नहीं बचती बात, तो तेरे पेट में नहीं बची ना। सो आज आ गए भाई हमारे मेहमान डिनर के लिए, बैबू क्या खाएगी डिनर में, क्या खाई है किसान, क्या खाई है, खीर, खीर खाएगी है, खीर नहीं बनाते हैं यहाँ, जरा बर्गर खाने बता, बर्गर बर्गर नहीं खाएगी, मैगी नहीं, नहीं बोल दो, मैल मैल खाएगी, मैल मैल खाएगी है, महंगे में अमीरों वाला फील कैसे आएगा यूं बता। सो यहाँ पे अभी हम बना रहे भाई चिल्ली पटेटो, तो रखसो कढ़ाई हमारे की है, अच्छा रखसो चलो चिल्ली पटेटो बनाएंगे चलो। सबने कुछ ना कुछ सामान ले रखा है, मैंने ही पानी ले रखा है। सो हमारा सेफ हो चुका भाई चालू चिल्ली पटेटो बनाने के लिए, तो स्पेशल डिमांड पे बन रही है दीदी की, और दीदी को नींद आने लगी बताओ, खा लेते हो 9 बजे ना, हम यहाँ देखो 10:30 बजे तो अभी चल रहा है बनना, बेटा सारे नींद में नहीं वही तो कह रहा हूँ, हाँ ऐसे ही रहे। सो फाइनली हो चुका है अपना चिली पटेटो रेडी, तो दीदी से रिव्यू ले लेते हैं, कैसा दीदी, बहुत टेस्टी हो रहा है, मजा आ गया, चलो बेचना शुरू कर दें। चलो सही है, रक्षो तू क्या कर रहा है, क्या तू कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, चलो क्या याद आया, डर के आगे जीते, तो डरता क्यों तू। सो भी हो गया अपना खाना, और ये देखो वो नींद आ रही है, पर क्या करे सो नहीं सक रहा नहीं यार, नींद कम्बल ओढ़ने को हो गया, तो यूँ हो जाता है ना कि बच्चा भी हमारे तरह की, हम नहीं सो रखे तो अकेले क्या करेगा, सो गया ना वो हिसाब हो रखा, मतलब मजबूरी में जागना पड़ रहा है बेचारे, क्या करें। तो टाइम होगा रात के 11:30 और आगे भी खाना खा के नीचे, तो चलिए करते फिर वीडियो का एंड, होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय टेक केयर, चलिए साफ ही तो है, और कितनी साफ, काली होती है कढ़ाई भाई, गोरी थोड़ी होती है।